खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी, गंगा के तट पर बबूल के घने जंगलों में खोए ये भग्नावशेष हैं उन्नाव की डोंडिया खेड़ा रियासत के अंतिम राजा राव रामचंद्र बख्श सिंह के महल के। 1857 की क्रांति में राव साहब की तलवार अंग्रेजों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। बिठूर से नदी मार्ग से भागे फिरंगियों को धूल चटाने वाले इस वीर अमर सेनानी को 1858 में यहीं फांसी दे दी गई। उनकी यादें एक स्मारक के रूप में संरक्षित हैं। लगभग 2000 की आबादी वाले डोंडिया खेड़ा गांव में भी सामान्य ग्राम्य जीवन के दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक गांव डोंडिया खेड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुधा पांडे ने भी अपने गांव की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गांव की गलियों में प्रभात फेरी निकलनी प्रारंभ हो गई। छोटे छोटे समूह बनाकर जब सार्थक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो यहां के निवासियों की सोच भी बदलने लगी। मगर ये सब कुछ सुधा जी के लिए आसान नहीं था। 2016 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ी। एक बड़े ऑपरेशन का दर्द भी झेला लेकिन हिम्मत नहीं हारी। भगवंत नगर क्षेत्र का डोंडिया खेड़ा उन्नाव में गंगा के तट पर स्थित 64 गांवों में से एक है और ये सभी गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। सरकार और समाज के सहयोग से यहां के निवासी अब स्वस्थ वातावरण में निवास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के वीर सपूतों ने जिस खुशहाल राष्ट्र का सपना देखा था वो मंजिल अब दूर नहीं।